छतरपुर जिला के गढ़ी मलहरा कस्बे के वार्ड क्रमांक 12 चतुर्भुज मोहल्ले में रहने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की उसके ही पुत्र ने खटिया के बेट से पीट पीट कर हत्या कर दी। खटिया का बेट जो होता है उससे पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पिता की टैक्सी लेकर बाजार में पहुंच गया। घटना ही जानकारी सुबह उस वक्त लगी जब मृतक पूरन रेखवार के छोटे बेटे भगवान चरण रेखवार ने आरोपी नरेंद्र रेखवार को पिता की टैक्सी लिए हुए देखा। उसके बाद उसने जाकर पिता को देखा तो पिता मृत अवस्था में घर के पीछे बाड़े में पड़ा मिला। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को राउंड अप करके लुगासी रोड से गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना पर एसडीओपी चंचलेश मरकाम, एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर घटना की सूक्ष्मता से विवेचना की और आरोपी पूर्व में भी एक हत्या के मामले में सजा काटकर 3 महीने पहले ही रिहा हुआ था। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए महाराजपुर भिजवाया है एवं आरोपी के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर घटना की विवेचना शुरू कर दी है। जो अभी आज इस तरह की घटना हो गई वो कौन थे आपके? वो हमारे पिताजी हैं। आपके क्या नाम है? भगवान चरण रायकवार। अच्छा, क्या घटना हो गई आज रात? घटना ये हो गई कि अब हम तो रहते थे वार्ड नंबर 11 में कालीमाई मोहल्ला में, और जो हमारे पिताश्री हैं वो रहते थे वार्ड नंबर 12 चतराभज मोहल्ला में जी। तो हमारा भाई है जो 302 का केस पहले इनने किया था 2007 में, ये पूरी सजा काट कर यही 15 अगस्त के दिन रिहा होकर आए हैं। अब 3 महीने नहीं भाई, और ये दोनों साथ में रहते थे, पिताजी रहते थे, बड़ा भाई साथ में रहता था। बस अचानक सुबह देखा, आज सुबह और हम अपने ड्यूटी पे थे तो बड़े भैया नरेंद्र एक बार हाँ हमने टैक्सी लेने देखा तो हमने सोचा कि हमने कभी हमारे पिताश्री ने किसी को टैक्सी दी नहीं। आपके पूर्व में भी आपने एक आवेदन दिया था? जो हमने पूर्व में ही आवेदन दिया था, एक ठिया के अपने थाने में भी दिया था, पुलिस थाने में दिया था कि ये दिमागी पागल है जो कोई हादसा कर सकता है, 24 घंटा लठ लें घूमता है, मोहल्ला वाले भी दहशत में है। और एक हमने SP साहब को डाक द्वारा भिजवाया था तो उसको भी हमारे पास पावती है। कोई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस ने? कोई कार्रवाई नहीं की। पहले भी ये लठ लेके घूमे, पहले 24 घंटे लठ लेके पूरा मोहल्ला गवाए है, पूरा मोहल्ला गवाए है, लठ लेके 24 घंटे घूमता था वो। तो सुबह हमने देखा तो ये टैक्सी लें और जूनियर स्कूल के सामने दिखा हमें, तो हम सफाई के टैंक लें हुए थे तो हमने देखा, तो हमने देखा कि हमने कहा कि हमारे पापा ने कभी किसी को टैक्सी नहीं दी, हमें भी नहीं दी कभी टैक्सी, मतलब उनको अपने आप विश्वास है। किसी वजह क्या रही, वजह क्या रही हत्या की? हत्या की वजह क्या रही? कदम उठाया एक बेटे का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई पता ही नहीं है। पर हमें हमने देखा इनको को हमने कि जो टैक्सी लें, आरोपी पकड़ गया है तो हमने सोचा कि ये टैक्सी लें हुए है जो पिताजी की, पिताजी कहाँ है, तो हमने इससे तो कोई बात नहीं की। हमने स्टैंड पे हमने पिताजी को कॉल की, जब हमने 10 देर कॉल की आरोपी के जो सात बच्चे, उसके कोई बच्चे वगैरह शादी वगैरह, एक लड़की है ना शादी जो मुलजम है उसकी एक बच्ची है 17-18 साल की जी। ये सब जो वारदात हुई है इसमें अभी क्या मिला है और आरोपी लेकर क्या लोकेशन है? लगभग सुबह हम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गढ़ी मलहरा थाने के अंतर्गत जो गढ़ी मलहरा लोकल में कस्बे में चतुर्भुज मोहल्ला है, यहाँ पे नरेंद्र रायकवार ने अपने ही पिता पूरन रायकवार की खटिए की जो बैत होती है उससे मार के हत्या कर दिया। तो प्राथमिक जांच में हम लोग ने पहले तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व में भी एक 302 के हत्या के अपराध में जेल काट के आ चुका है और आतंक अपराधी है, कुछ और भी अपराध उसके ऊपर है। और इसी संदर्भ में फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ पे टीम आई हुई है, FSL अधिकारी आए हुए हैं, डॉग स्क्वाड टीम वगैरह आई हुई है, अभी इसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसमें हम प्रयास करेंगे कि आरोपी को जेल निरुद्ध करें जी। सर वजह क्या रही सर इसकी? अभी प्राथमिक पूछताछ में जो आरोपी है उसका कहना है कि बाप ने अपने उनके साथ जो है दूजा व्यवहार किया है, बचपन से ही उसके साथ मारपीट करना और सही व्यवहार ना करना, और उसका कहना यह है कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था उसकी मर्जी की लड़की से शादी भी नहीं हुई थी, ये सब तमाम कारण उन्होंने बताया। सर दूसरा बात यह है कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो बताया है और मृतक के जो पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनने कहा है कि हमने आवेदन भी एक पुलिस अधीक्षक को दिया था कि ये व्यक्ति जो है लगातार ऐसी वारदात करने की फिराक में था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, अगर आवेदन थाने में प्राप्त हुआ होगा तो उसमें अवश्य जाँच हुई होगी और एक जाँच का विषय है और हम ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी आरोपी। सर पुलिस अधीक्षक को भी दिया था थाने के बाद में आवेदन?
हाँ वो मार्क होके थाना प्रभारी महोदय को ही प्राप्त हुआ होगा, तो हम उसकी जांच का विषय हम जांच करवाएंगे। Somani Tiles, perfect marketing. हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8319179764। हमारा टेलीफोन नंबर है 0762640704।